नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खबर एसएस न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय आमजन पार्टी ने की अपने उम्मीदवारों की घोषणा। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा चुनावों के दौर चालू होते से ही आम आदमी पार्टी एवं अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी राष्ट्रीय आमजन पार्टी का गठन किया है, जिसमें उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह जूता रखा है। देखिए खबर एसएस की कैमरामैन अमित के साथ साउथ सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। और जल्दी ही हम लोग दूसरे और कैंडिडेट्स का और मैनिफेस्टो भी हम लोग घोषित करेंगे। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है वो मानवता है, राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि आज इसकी सख्त आवश्यकता है। आज जहां लोग जाति धर्म समुदाय पर राजनीति कर रहे हैं, इससे आपसी प्रेम विश्वास खत्म हो, भाईचारा खत्म हो समाज में, जो देश की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आज लोग अपनी जाति के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, पर ये जो पार्टी है ये एक संदेश लेकर आई है कि हमको राष्ट्र सर्वोपरि, मानव का सर्वोपरि, ये नहीं रहेंगी चीज़ें तो हमारा पार्टी और धर्म और समाज कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि समाज नहीं रहेगा तो कहाँ देश। तो आप भी क्या आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही काम करेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी का जो मूल जो भावना थी, जो हम लोग मिलकर बनाए थे, वहाँ की प्लानिंग किए थे, उसको हम नहीं अलग होंगे उससे, हम लोग काम करेंगे उसी। परंतु आज जो है जिस तरीके से उन्होंने टिकट दिया है लोगों को दिल्ली वगैरह में, उस तरह काम नहीं करेंगे। तो सर ये नाराज़गी है आम आदमी पार्टी के प्रति? अब हमारे साथ कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा होगी तो हम अपना नाराजगी तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, पर यह है कि हम अपना काम रास्ता बना। तो ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि आपने अरविंद केजरीवाल जी के मतलब अलग अपनी पार्टी बनाई? नहीं, मैं ही नहीं, पूरे देश में जो है ओरिजिनल, देखिए पूरे देश के जो सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए थे तभी दिल्ली में कितनी बड़ी जीत हुई। इसके बाद में जब वहाँ सत्ता मिली, इसके बाद में जो हुआ सब देख रहे हैं। हम अपने तरफ से किसी दूसरी पार्टी की मतलब बुराई नहीं करेंगे, पर यह है कि हम हो सकता उस पार्टी के लायक नहीं हैं। इसलिए जो ओरिजिनल कार्यकर्ता थे जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो लोग अपना अलग हो चुका। तो अभी तो 2019 के चुनाव में वक्त है, तो इस बीच अगर आपसे अरविंद केजरीवाल किसी मतलब कंप्रोमाइज़ करें तो क्या ये आप आम आदमी पार्टी में शरीक हो जाएंगे? हमारी जो विचारधारा है मानवता, सेवा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र सर्वोपरि, इस विचारधारा पर यदि कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी काम करती है तो हम लोग साथ में काम करेंगे। क्योंकि हमें व्यक्तिगत यश के लिए काम नहीं करना है, देश के लिए काम, अपने आप को बुलाकर हम लोग काम करेंगे। कोई अच्छा काम करेगा, इवन अभी हम जैसे सत्ता में भाजपा की गवर्नमेंट, वो अच्छा काम करती तो हम निश्चित रूप से उसका सपोर्ट करते हैं, और नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से जो सत्ता में उसका तो हमको आलोचना करना पड़ेगा उसके इश्यूज़ को। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है? बीजेपी ने अच्छा काम कहाँ किया है, कितना त्रस्त है आदमी, करप्शन चरम पर है, पूरा आपस में जितना यहाँ कटुता फैली ना इनके आने से उतना कभी नहीं फैला था देश में, मतलब बहुत नकारात्मक चीज़ें हैं देश के लिए। इसलिए आज हम मानवता और राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी महान मतलब देश के जो पूर्वज हैं उन्होंने दिया था, उन्होंने सिखाया था उस राह पर। चलिए शुक्रिया।